दोस्तों अभी देखें कितना स्नोफॉल होगा, पीछे पूरा स्नोफॉल होके पीछे आप देख सकते हैं अब भी स्नोफॉल हो रहा था। लगा था करीब 6 घंटे से स्नोफॉल हो रहा है। अच्छा लग रहा है वाइब एकदम, पर यही है थोड़ा सा संभल के रहने वाला। आप देख रहे होंगे गाड़ियाँ निकल रही हैं, गाड़ियाँ भी काफ़ी स्लो चल रही हैं। तो ये है कनाडा का स्नो, तरह लग रहा है। ये बन गया वंडरलैंड, कनाडा वंडरलैंड। तो काफी कोल्ड है अभी, वेदर काफी ठंडा है और स्नोफॉल हो रहा है लगातार 6 आवर्स से। और मैं आपको लेके चलता हूँ स्नोफॉल के बीचों बीच। छोटा सा स्टॉर्म है ये, स्नो स्टॉर्म, हवाएं तेज चल रही हैं, आप देख रहे होंगे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा वीडियो देखने में, पर मुझे ठंड लग रही है और मैंने अच्छे से क्लोथ्स पहने। तो हम चलते हैं, देखेंगे छोटे छोटे रेस्टोरों जो यहाँ पे है टोरंटो में, इटालियन रेस्टोरों है यहाँ पे। और ये रास्ते में बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का स्नो आपको दिखेगा। पूरी बर्फ़ की चादर ढकी हुई टोरंटो कनाडा में स्नोफॉल हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। मेरा फोन भी ठंडा हो गया, ये कितना खूबसूरत लग रहा है पीछे। लोग अपने घरों के सामने से स्नो हटा रहे हैं, ये देखो सारा काम खुद करना पड़ता है, अच्छी बात है, सेल्फी लेते हैं।
आज मैं आपको लेके चलूँगा इटालियन रेस्टोरेंट जो घर के पास है। अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं है, बाहर से दिखा दूँगा। बस समझ के चलना है क्योंकि यहाँ पे कई लोग काफ़ी लोग अच्छे हैं, कुछ एग्रेसिव भी हैं। समझ के चलना है। तो ये है, ट्रैफिक जाम हुआ स्नो की वजह से। ये है रेस्टोरेंट, ये टोमेटो इटालियन रेस्टोरेंट। मेरे आगे है रोको, ये इटालियन रेस्टोरेंट है रोको, आपको दिख रहा होगा। और आगे टिम होटल है।